यहाँ पे आके बोलते हैं सर कि आप 90% उनको सिर्फ गाली देने के काम करते हैं, 91 बार आप उनको गाली दिए हैं, सिर्फ गाली देने की, गाली गलौज करने की कांग्रेस का कल्चर है। आप सीनियर नेता है क्या, किस तरह से देखते हैं इस तरह की जो बयान देते हैं प्राइम मिनिस्टर? देखिए आप प्रधानमंत्री साहब इतनी फुर्सत मिल गई कि 91 गाली उनको दी गई, वो लिखे इतना टाइम मिल गया उनको, ये आश्चर्य की बात है। फिर गवर्नेंस कैसे करते हैं उनको, उन्होंने जो जिस रूप में बोले हैं, कटाक्ष किए हैं सोनिया जी पर भी, अन्य नेताओं पर, बाकी ने तो छोड़ दीजिए, अभी कल परसों किया है। आप बताइए प्रेम ने खुद ने, मैं वो वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता क्या बोले वो, पर वो सब बोले जो उनको नहीं बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, चाहे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो। उन्होंने जिस प्रकार से बोले हैं गरिमा को गिरा करके, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट हूँ। अब वो 91 की बात करें, उन्हें कई लोग तो आपको मालूम है, कई लोग तो कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं, वो उनके पास सुशोभित है, उनका भी कमेंट उनके अंदर 91 के अंदर है। तो आपने लिया कि उनको फिर देखिए, अब राहुल गांधी जी का डिफेमेशन केस, आप मुझे बताइए आज तक अडवाणी साहब, अडवाणी राजपेल जी और सब नेता बीजेपी के क्या क्या नहीं बोले होंगे पिछले 50 साल के अंदर, 60 साल के अंदर कभी कोई केस का डिफेमेशन का? ये बॉडी लैंग्वेज होती है। आप जब तक किसी के व्यक्तिगत बहुत घटिया बात नहीं करो, तब तक वो फॉरेन लैंग्वेज में आता नहीं, जिससे कि पब्लिक समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी का मकसद वही रहा, राहुल गांधी का मकसद वही था, मोदी का नाम लेके, मोदी नीरव मोदी, दलित मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी के नाम पर लोग क्यों भगे हुए हैं? तो नरेंद्र मोदी तो भगे हुए थोड़ी थे, वो तो प्रधानमंत्री है, उन्होंने नाम लिया। भाई देखिए मोदी जो सड़ने में ये क्यों भगे हुए हैं, इसका मतलब मोदी जी क्यों प्रधानमंत्री है, मोदी जी का उनको प्रोडक्शन हेड भी है, वो समझते हुए कि हमारे मोदी बैठा हुआ है, तो हो सकता है उस कारण वो हिम्मत कर रहे हो गलत करने की या भागने की। तो मकसद होता है पब्लिक को समझाने का, उसको लेके आप डिफेंस केस करवाओ कि केस का विस्तय करवा दो, जब आपको शूट करे। अब इनको बहुत पॉपुलर हो गए राहुल गांधी इसमें यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, अब कब इनको निष्कासित करना पार्लियामेंट से, ये षड्यंत्र उसी दिन हो गया था जब उनकी यात्रा कामयाब हुई, षड्यंत्र का भाग था, इसलिए वापस स्टे हुआ, स्टे खारिज किया गया हाईकोर्ट से, केस चलाया गया हाउस में, बोधन देव नहीं आप एक अधिकार होता मेंबर पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट जब होते मैं पहली बार हुआ होगा एक मेंबर के मैं बोलना चाहता हूँ और मेरे पर आरोप लगाया मैं सफर करना चाहता हूँ, उसका अलाउ नहीं करे, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। पता नहीं लोकसभा स्पीकर पे कितना दबाव पड़ा होगा, कोई सोच नहीं सकता। वो चाय पिलाने का ऑफर कर रहा है और कह रहा है मेरी मजबूरी है, मजबूरी क्या है? पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, आप बोलने का उनको मौका दे दो कम से कम, आपने मौका नहीं दिया और बाद में केस को लगवाया वापिस आपने, सुनवाई कर रही 2 साल के पैसे सजा दिलवाई और निष्कासित करने में टाइम नहीं लगाई और साथ में मकान खाली करो, ये क्या पूरे कंट्री में बैंक आक्रोशन के प्रति ये समझ नहीं पा रहे हैं? इस देश की जनता अनपढ़ हो सकती है, पढ़ी लिखी कम हो सकती है, पर रॉबस्ट कॉमन सेंस जो है हिंदुस्तान की जनता का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पता नहीं लगेगा इन लोगों का चले गए, ये लोग जो वाजपेयी गवर्नमेंट जा सकती है फील्ड गुड में और इंडिया फाइलिंग के अंदर। तो मोदी जी आपको ही ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, ये जनता बहुत समझदार है, पता नहीं लगेगा कौन कहाँ चला रहा है यहाँ पर। अशोक जी आपको सीनियर नेता अशोक जी कांशीराम जी के जो नेतागिरी के टाइम वही उस टाइम से आप देखे हैं, पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में आपने जीतते जीतते हार गए, कई राज्यों में आप हारते हारते जीत गए, जीतने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज खड़े हो गए, जैसे राजस्थान में आपके और सचिन पायलट जी के बीच में जो हुआ था, बहुत सारे स्टेट को कहने लग गया कि कांग्रेस टूटा हुआ है। यहाँ पे भी ऐसी ही कंडीशन है, ठीक है, सुकुमार जी है, सीधा
बात सुनिए, आप समझदार हैं, किस राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी में आपस में मनमुटाव थोड़ा बहुत नहीं होता है, हर जगह होता है। बीजेपी में जो आज मनमुटाव है राजस्थान में, उसका कोई मैं समझता हूँ उदाहरण देश में कहीं नहीं मिलेगा आपको। वही हालत आपके कर्नाटका के अंदर, आपका CM DC एक्स जो है बीजेपी के, पार्टी छोड़ के इधर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो ये तमाम पार्टी में होता ही है, कोई नई बात नहीं है। अशोक जी, जो राजस्थान में गवर्नेंस का मॉडल है, जो आपने सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे बहुत जोर दिया है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी दूसरे स्टेट्स में भी उसको रेप्लिकेट करेगी? जैसे कर्नाटका में हम देख रहे हैं कि वो युवा संभल जो सिमिलर काइंड ऑफ घोषणा, जब मिस्टर जयराम रमेश कह चुके हैं कि राजस्थान में जो काम हुआ है गवर्नेंस का, इसकी भी बनी है, वो पूरे देश के अंदर एक प्रकार से प्रेरणा की बात रहेगी, या कुछ भी कह दीजिए उसको। उन्होंने खुद ने कहा है कि, और वही हो रहा है आज, तो कांग्रेस आज तो कर ही रहे, और छत्तीसगढ़ भी कर रहा है, हिमाचल कर रहा है। आप देखेंगे मजबूरी के अंदर नाम बदल देंगे, पैसा 1000 का 1500 कर देंगे मान लीजिए, परंतु यह भी किया गया है, परंतु हर राज्य सरकारों को आगे आना पड़ेगा। महंगाई बहुत भयंकर है, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय को, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, लाइए आप, राइट टू हेल्थ लाइए आप एक्ट को। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ICC अभियान चलाएगी, क्योंकि राजस्थान कर सकते आप क्यों नहीं करवा रहे हो? पूरे देश के अंदर होना चाहिए। आज विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं हम लोग, और क्या हम राइट टू हेल्थ नहीं देंगे उनको? आज राइट टू हेल्थ हो, ये तो अधिकार है जिंदा रहने का आदमी को। वक्त आ गया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में क्योंकि तो बार बार जहाँ बैठे हैं बिल्डिंग बनी है, खाली मशीनरी बनी है, इसमें मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर 50-55 साल का हो गया, उसके बाद में उनका सही साथ नहीं देता है। हो सकता तो घर में बेटे पोते ऐसे हों, वो सक्षम नहीं हो उसको रखने के लिए। क्या स्थिति बनती है ज्यादा गरीबों की? सरकार की ड्यूटी है कि क्या हम 1000 रुपये देते, 2000 रुपये देके खुश करते हैं उनको? हमें शर्म आती है। हम चाहते हैं प्रॉपर वे के अंदर महंगे के हिसाब से उनको क्यों नहीं 5000 मिले, 10000 मिले, वो स्थिति आनी चाहिए। राहुल गांधी जी पिछली बार 6000 रुपये प्रतिमा की बात की थी, नाम कह रखा था न्याय योजना, वो एक एग्जाम्पल है देश के सामने। वो तो लेट हो गए थे चुनाव के अंदर, लेट हो गए थे, वरना वो स्कीम वही है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी इस प्रकार से। थैंक यू हो गया आपका। प्रवासी राजस्थानी है उनके मैसेज में क्या हो, मैं तो वही जा रहा हूँ, और वो सेवा कर रहे हैं प्रदेश की और पूरे देश की। जहाँ जहाँ गए प्रवासी, अकाल सूखे पड़ते थे हमारे वहाँ पर, तब गए बिरलार, मांगर, गोयनकार, सिंगानिया, सब गए थे। अर्थव्यवस्था को आज वो प्रवेश कर रहे हैं देश की, इतनी हिम्मत तो करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के गांव में जाके रह रहे हैं अभी तक भी, बंगाल के अंदर, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, सब जगह आपको राजस्थान में रहेंगे। पहले काम उनका अलग अप्रोच का था, अब काम अप्रोच अलग बन गया, दुकानें लग गई उनकी, मॉल बन गए, काम धंधे कर रहे हैं, अभी तक गांव में जुड़ाव है। तो मैं उनको संदेश ही देना चाहूँगा, मैंने राजस्थानी इंटरनेशनल कॉन्क्लेव दिया था, जब पहली बार CM बना 25 साल पहले था, दुनिया भर के लोग आए थे। तो मैंने वहाँ नहीं कहा अब इन्वेस्टमेंट करो यहाँ आकर के, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आप सभी करोगे तो वो वायबल होगा प्रोजेक्ट। मैंने इसलिए बोला आपको, आपका जुड़ाव आपके गाँव से बना रहे थे, अकाल सूखे में, तकलीफ में, हमें सब आते गाँव में। तो मैंने कहा वो आपका जो जुड़ाव है आपके भाव डालों में 16 साल पहले गए हो, वो जुड़ाव बना रहे। अभी मैं अपील ही करूँगा वो जुड़ाव बना रहे, और मैं क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपील करूँगा आप कांग्रेस कामयाब करने के लिए आ गया हो। धन्यवाद।